जालौन जनपद में लगातार चोरियों की घटनाएं से परेशान पुलिस चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चला रही है। इस प्रयास से आज उरई कोतवाली पुलिस के दो अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस दो चोर लोकेंद्र और बल्लू पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके पास से लाखों रुपए की कीमत के इन्वर्टर और बैटरियाँ, होंडा सिटी कार, एक बाइक बरामद की गई। इन चोरों को जेल भेज दिया गया है। आज दो चोर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और ये दोनों जो है अंतरप्रांतीय गिरोह के सदस्य हैं। ये लोग गाड़ी भी चुराते हैं, बैटरी इन्वर्टर आदि चुरा करके बेचने का काम करते हैं। जो हमारे पास दो लोग पकड़े गए हैं उसमें एक लोकेंद्र पुत्र आसाराम है, शिक्षा प्रधार का है, और दूसरा बल्लू पुत्र जमील है, ये कोतवाली उरई का रहने वाला है। इनके गिरोह में कुछ और भी इनके साथी हैं जो प्रदेश से बाहर से भी गाड़ियां चुराते हैं, फिर ला करके उसमें उसका फेक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उसके बाद उसको मार्केट में बेचते हैं। तो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी और उस सूचना के आधार पर एक होंडा सिटी कार, एक पल्सर मोटरसाइकिल और चार अदर इन्वर्टर, चार बैटरी है छोटी और आठ अदद बड़ी बैटरी है। ये जो गाड़ियाँ बरामद हुई हैं वो तस्दीक हो गई हैं, ये चोरी की हैं, और जो अन्य सामग्री है उसके बारे में भी जांच चल रही है। जालौन से तहलका हेडलाइंस के लिए संतोष कुमार सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है तहलका हेडलाइन न्यूज और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है telkaheadlines.in@gmail.com। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं।